हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आज के इस वीडियो में। हम बात करने वाले हैं गाइस कि आप अपने फ़ोन में अपने डेट एंड टाइम को कैसे चेंज कर सकते हैं। तो गाइस वीडियो में सिंपल सिंपल स्टेप है, आपको ने फॉलो करके आप अपने फ़ोन में अपने डेट एंड टाइम को चेंज कर सकते हैं। तो गाइस वीडियो की जानकारी के लिए वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। आज वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने के लिए गाइस सबसे पहले हमें अपने फ़ोन में अपनी सेटिंग को ऑन करना होगा। ऑन करने के बाद यहाँ पर आपको इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है एक एडिशनल सेटिंग, तो आपको उस पर क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको कई सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। तो सबसे पहला हमारा ऑप्शन आता है डेट एंड टाइम, तो आपको उस पर क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको नेटवर्क के हिसाब से अपना डेट एंड टाइम करना है ऑटोमेटिक, तो आपको यूज़ नेटवर्क प्रोडक्टिक टाइम, तो आपको इस ऑप्शन को ऑन कर देना, तो आपका ऑटोमेटिक टाइम चलेगा नेटवर्क के हिसाब से। अगर आप अपने हिसाब से करना चाहते हैं तो आपको इस ऑप्शन को ऑफ करना होगा और यहाँ पर आपको ऑप्शन ऑन मिल जाता है देखने के लिए डेट एंड टाइम। तो आपको डेट करनी है आपको, तो डेट पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर अगर आपको अपनी डेट चेंज करनी है तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। अगर आपको अपना टाइम चेंज करना है तो टाइम पे क्लिक कर देंगे और यहाँ से अपना टाइम भी चेंज कर देंगे, इसे ओके कर देंगे। ओके करने के बाद यहाँ पर आपको टाइम फॉर्मेट पे क्लिक करना होगा। अगर आप 24 घंटे वाला चेंज करना चाहते हैं तो आप इस पर क्लिक करेंगे, तो आपका जो टाइम है वो 24 घंटे वाला हो जाएगा। अगर आप 12 घंटे वाला करना चाहते हैं 12 से 1, तो आप इस पर क्लिक कर देंगे। तो गाइस इस तरीके से आप अपने फ़ोन में अपनी डेट एंड टाइम को चेंज कर सकते हैं। तो गाइस वीडियो पसंद आई हो तो शेयर करें, लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।